हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्राफन ब्लॉग्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है हैदराबादी दम के खीमे की। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई हूँ। ये मैंने 1.25 किलो खीमा ली हूँ, हड्डी वाला। आप चाहे तो बिगर हड्डी का भी ले सकते हैं। और मैंने इसको अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके छन्नी में रखी थी, पूरा इसका पानी निकाल ली हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 50 ग्राम सेंगदाना ली हूँ, भून कर रखी हूँ। काजू बादाम है, वो भी भून कर रखी हूँ। यहाँ पर 50 ग्राम खोपरा है सूखा वाला, उसको भी भून कर रखी हूँ। और 2 से 3 प्याज को मैंने फ्राई करके ली हूँ, गोल्डन फ्राई। ये सब पीस कर लेंगे हम, इसका पेस्ट बना कर लेंगे। और प्याज को जो है हम बाद में ऐड करेंगे, तो इसको एक साइड में रख देते हैं जिसको हम पीसना है। अब सूखे मसाले बताती हूँ जो रेगुलर यूज़ करते हैं। मिर्ची 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्ची लाल मिर्ची जो है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है, दही है 200 ग्राम। और यहाँ पर देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाली हूँ। खड़े मसाले देख लेते हैं, शाहजीरा, इलायची छोटी वाली, और काली मिरी के दाने हैं, दालचीनी है। ये सब डाल देंगे इसके अंदर, और दही भी डाल देंगे। ये देखिए, मैंने एकदम गाढ़ा वाला दही ली थी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो यहाँ पर मैंने मिक्स करके रख दी थी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो काजू बादाम सूखा खोपरा सेंगदाना था, और इसमें मैंने खसखस भी डाली, आपको बताना भूल गई थी, यानी कि कैमरा मेरा ऑन करना भूल गई थी मैं, तो इसमें खसखस भी डाली हूँ। उसका पेस्ट सब बनाकर मैंने मिक्स करके रखी हूँ। ऑनियन भी मैंने डाल दी हूँ, यानी कि जो मैंने गोल्डन फ्राई करके रखी थी प्याज। और ये जो तेल मैं डाल रही हूँ, इसी में मैंने गोल्डन फ्राई करके ली थी प्याज, उसी का तेल मैंने ऐड की हूँ। तो मैंने आधा घंटे के लिए इसको मसाले लगा कर रखी थी खीमे को, फिर मैं कुकर में डाली इसको, थोड़ा पका कर पानी डालकर इसको मैं 2 से 3 सीटी लूँगी, क्योंकि ये मोटा मोटा खीमा है। अगर आपने बारीक बारीक खीमा लिए हैं तो उसको ऐसी पैन में बना सकते हैं कढ़ाई में, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1 से 2 सीटी लूँगी, क्योंकि इसमें हड्डी भी है, थोड़ी गलना है इसके लिए। देखिए, मैंने ढक्कन लगा दी हूँ, 2 से 3 सीटी हो गई थी। अब बाकी का इसको मैंने कढ़ाई में डालकर दम पर पकाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने डालकर 15 मिनट हो गए थे कढ़ाई में डालकर इसको पकने के लिए रखी थी। पानी भी इसका मैंने अच्छे से सुखा ली हूँ, और एकदम दम पर रखकर मैंने इसको पकने के लिए रखी हूँ, क्योंकि ये दम का खीमा है तो इसको दम पर ही पकना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त दम का खीमा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए, मैंने 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाल रही हूँ, हरा धनिया बारीक कट करके डाली हूँ अच्छे से वॉश करके, पुदीना उसको भी मैंने वॉश करके कटिंग करके रखी हूँ, हरी मिर्ची उसको भी मैंने बीच में से कट करके 4 से 5 हरी मिर्ची डाली हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। और ये खाने में इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी रहता है ना खीमा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे इफ्रा खान चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक वाटी रख कर कोयले को जला करके धुआं डालेंगे। मैंने कोयले को अच्छे से जला ली हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालकर स्मोक लेंगे, स्मोक ना दूंगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए रख दी थी, फिर वापस गैस तो मैंने ऑन ही रखी थी दम पर, उसी में मैंने स्मोक ली हूँ। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा ये दम कीमा कैसा बना, हैदराबादी दम कीमा। और मेरे इफ्रा खान चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। और ये कैसी लगी रेसिपी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह खाने में भी बहुत टेस्टी था ये, घर वाले ने
पूरे बच्चे बड़े सब तारीफें करके खाए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।